हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन वन रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है कि ये नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इजी, यानी एग्जांपल जो होगा 2, 3, 5, 7, 1। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं 5। अब 5 के फैक्टर्स की बात करें तो इसका एक फैक्टर 1 मिलेगा और दूसरा फैक्टर मिलेगा 5, ठीक है। यानी कि एक फैक्टर इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर मिलता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 8, तो इसका एक फैक्टर 1 मिलेगा, दूसरा फैक्टर 2, 4 और यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ जो है, इसके अलावा दो फैक्टर और मिल रहे हैं 2 एंड 4, इसलिए ये जो 8 है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया कि ये क्या होता है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 7 का 1 एंड इटसेल्फ स्वयं एक संख्या होगी जो फैक्टर होगा। इसी प्रकार से अब कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होगा कि ये नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी संख्या अगर वन एंड इटसेल्फ के अलावा और भी एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर और रखता है तो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 4 एग्जांपल ले लो, तो ये हो गया 1 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ तो इसके फैक्टर हैं ही, लेकिन इसके साथ में इसका एक फैक्टर और मिल जा रहा है 2, इसलिए ये जो 4 हमारा होगा ये क्या होगा, तो कंपोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, तो 10 का एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और 5 हो गया, इसके बाद 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 5 और 10। यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ ये तो हैं ही, इसके अलावा हमें यहाँ पर दो फैक्टर और मिल रहे हैं 2 और 5, इसलिए जो 10 हमारा होगा ये कंपोजिट नंबर होगा। देखिए यहाँ पर इसके बाद की पॉइंट क्या है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 जो होता है ये ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 जो होता है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट, और जो 4 होता है वो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होता है। अब रियल नंबर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन हम दे सकते हैं, ये नंबर इज सेड टू बी अ रियल नंबर इफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज नॉन निगेटिव, यानी कि कोई भी संख्या रियल नंबर होती है यदि उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो नॉन निगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1/2 हो गया, 3 हो गया, 5, 5/3, √2 और √3, ये सभी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल आता है, जैसे ये रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इन सभी ये सब मिला करके क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है, ये नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, कमा q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इसे p/q के रूप में लिखा मैंने 3/2, ठीक है, तो ये 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 कर दे रहे हैं तो ये इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 नहीं होगा। 5/3 भी हम लिख सकते हैं, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। Where p and q are integer, जहाँ पर p और q जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। अदरवाइज इरेशनल नंबर, यानी कि अगर उसे हम p/q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है 3/2, 5/3 और 4/3 etc, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो ये डेसिमल नंबर दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, 12/2। अब 5 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 5 × 2 = 10 हो गया, इसके बाद ये बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 4, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट रखता है, यानी कि फाइनाइट है, इसलिए एक जो संख्या हमारी लिखी हुई है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। और इसी प्रकार से ये देखिए 17/2 है, तो 17 को यानी कि 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 8 = 16 आएगा, और 7 में से 6 यानी कि 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, इसलिए ये जो संख्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये डेसिमल नंबर दैट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करना चाहें 12/7 को, तो इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, यहाँ से कितना रहेगा तो 5 आएगा, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 7 ×
7 7 49 यहाँ पर 1 आएगा और डेसिमल लगा हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे 7 1 7। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 डेसिमल लगा हुआ है तो 7 4 जा, यानी कि हम इसको अगर डिवाइड करते जाएं तो ये इस तरीके से डॉट डॉट संख्याएं आती जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये कभी एंड नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगे किसके बाद, तो डेसिमल के बाद। इसलिए ये जो संख्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब बिठाओ यार।